अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं उजारनक सिद्धवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ बहुत सारी रेसिपीज लेके। चॉकलेट मूस बनाना सिखाएंगे यूजिंग नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड। उसके अलावा हम आज आपको बहुत मज़ेदार से पिकल्ड अनियंस बनाना सिखाएंगे, छोटे गोल प्याज, कैसे उसको लाल रंग और पिकल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक डिप है, उसके अलावा वॉलनट एंड पोटैटो कबाब्स हैं, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। इटालिया पास्ता स्पगेटी हमारे शो पे है, तो स्पगेटी के साथ हम वही सिंपल चिकन नूडल्स आपको बनाना सिखाएंगे। चिकन भी पकाएंगे इनके ही, इटालिया के ही चिकन नूडल, चिकन स्टॉक क्यूब में, ठीक है। और उसके अलावा करशी से हम आज बहुत मज़ेदार सा एक ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, जिसमें हम सेवैयाँ कलरफुल डालेंगे और तुक मलंगे के बीज भिगो के रखे हैं मैंने, वो डालेंगे। आई वॉन्टेड टू शो यू द न्यू मसाला टीवी फूड मैगजीन। अप्रैल का शुमारा रमज़ान का आ चुका है, हम सबकी तस्वीरें भी यहाँ हैं, सारी रेसिपीज़ भी अंदर आपको मिल जाएंगी। और फूड डायरीज से कौन सी रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि इस दफ़ा क्या क्या फूड डायरीज से है। कड़ी चिकन पफ्स हैं, फिश फ्रिटर्स हैं एंड चीज़ बॉल्स हैं, सारी रेसिपीज़ आपको हम रमज़ान में बहुत काम आएंगी। डेट एंड नट खीर है, स्पिनच एंड कॉर्न फ्रिटर्स हैं, इस तरह, ठीक है, सारे हमारे शेफ्स की रेसिपीज़ हैं। तो आप भी अपनी कॉपी घर लाइएगा, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स। कम ऑन नाउ, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास है यहाँ हंकर्ड यानी दही, जिसका पानी निकाल दिया जाता है मलमल के कपड़े में डाल के। तो आधा किलो जितना दही लिया था उसमें से ये बच गया, ठीक है। इसको आप एक बोल में डाल दीजिए। उसमें आप क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये है जनाब पेपरिका पाउडर, ठीक है, पेपरिका पाउडर चला गया, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, फिर इसमें से पानी निकला हुआ पाइनएप्पल है, जस्ट अबाउट वन और टू टेबल स्पून पाइनएप्पल जाएगा, और शहद है ना, डिफरेंट सा डिप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, ठीक है, ओके। क्या था, पाइनएप्पल, दही, नमक और शहद और पेपरिका, सब कुछ आप मिक्स कर दीजिए। दही में नहीं करिएगा, हंग कर्ड में करिएगा, दिस इज योर डिप। ये डिप इन कबाब्स के साथ सर्व होंगे। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई, अब इसको हम एक छोटे बोल में निकाल के फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, डन। चलो, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज द छोटे वाले पिकल्ड अनियंस, जो कहते हैं पिकलिंग अनियंस, छोटे छोटे जो प्याज होते हैं, साबुत रखिएगा, छिलका उतार दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, ठीक है, फिर इसमें जाएगा कद्दूकश किया हुआ कच्चा बीट रूट, चुकंदर और सिरका, दैट्स इट। इसको भी मिक्स करके रख दीजिएगा, अच्छा सा रंग इसमें भी आ जाएगा, फिर दूसरे तीसरे दिन आप यूज़ कर सकते हैं। टू थिंग्स डन, ओके। नाउ आलू बॉईल करके मैंने रख दिए हैं, दो से तीन आलू, ओके। यहाँ पानी बॉईल हो रहा है तो उसमें भी मैं जो मुझे करना था वो कर लेती हूँ साथ साथ। ये है जनाब इटालिया की स्पगेटी और प्रिपेयर्ड ऑन इटालियन प्लांट, एंड बस आपको इसको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, पूरा हम नहीं डालेंगे, विल जस्ट ऐड हाफ द पैकेट, यू डोंट हैव टू ब्रेक इट, इफ़ यू वांट यू कैन ब्रेक इट आल्सो, पूरा भी आप डाल सकते हैं, पानी में डाल दीजिए। उप्स, लॉट्स ऑफ मेस। बेहतरीन क्वालिटी की स्पगेटी, फ्यूसिली, पास्ता, डिफरेंट टाइप्स के, शेप्स के, ओके। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इटालिया कुकिंग ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ नमक। जब भी बॉईल करें पास्ता को, ये नमक चला गया एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इटालिया कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, लवली बॉटल, आई जस्ट लव दिस बॉटल, ओके। ये हो गया, ये सारा मिक्सचर बना के कबाब्स का हमें उसको दम देना है कोयले का, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ एक चारकोल का टुकड़ा रखा हुआ है, लाल हो जाएगा तो फिर हम वो भी कर लेंगे, ओके जी। ये हो गया, अब हम इसमें क्या डालेंगे, अखरोट आधा कप जितनी, बहुत सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। ये है दही, अगेन दही का मट्ठा, ठीक है, हंग कर्ड है ये, आप हंग कर्ड डालें, आप पनीर डालें, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। फिर इसमें चीज़ जाएगा, चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, वॉट एवर यू वॉन्ट, अगेन योर चॉइस। अच्छा, इसमें मटर जाएंगे और हरा धनिया जाएगा
और उसके अलावा फिर सारे मसाले वगैरह जाएंगे, मटर और हरा धनिया। नाउ लेट मी स्टार्ट विद ऑल द मसालाज। ये है चाट मसाला, छोटी हरी इलायची का पाउडर है ये। टर्न आउट रियली नाइस, जरूर ट्राई करिएगा रेसिपीज, ठीक है। ये एक में ही कर लूं मैं सारा नमक। मैंने आलू वगैरह बॉईल करते वक्त कुछ नमक वमक नहीं डाला था, सो नमक। लेमन जूस है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें और अदरक है। हरी मिर्चें चॉप कर दीजिए या ऐसे में भी पिस जाएंगी, ठीक है। मैं सारा कुछ रिकैप करूंगी, डोंट वरी। और ये क्या है, ये है आमचूर खटाई पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, थोड़ा सा ये भी जाएगा, टेस्ट में बहुत फ़र्क आएगा। एंड बेसन, एक से दो चम्मच आप इसमें बेसन डालिए। ब्रेड क्रम्स मैं बाद में डालूंगी, लेट मी जस्ट मिक्स अप एवरीथिंग टुगेदर फर्स्ट। जब तक इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक लेके वापस आएंगे तो फिर इसको एक बोल में निकालेंगे और कोयले का धुआं इसको देंगे, उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स मिक्स करेंगे, छोटे टिक्कियाँ बना देंगे, इसमें कोई चीज़ कच्ची तो नहीं है, और हम सेक लेंगे उसको थोड़े से तेल में, इटालिया कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद फिर हम उसको सर्व करेंगे उस डिप के साथ, पिकलिंग अनियंस जो थे उसके साथ। फिर हम चिकन नूडल की रेसिपी की तरफ आएंगे। ये चिकन नूडल थोड़ा सा सूपी सा बनेगा, आप देखिएगा, ठीक है। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है डीलक्स वेजिटेबल स्लाइसर एनएक्स की तरफ से, तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब हम चिकन नूडल की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। चिकन ब्रेस्ट या चिकन बोनलेस या चिकन बोन्स के साथ जो भी आपको यूज़ करना है, पानी में मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ हम यूज़ करेंगे इटालिया का चिकन क्यूब, ठीक है। चिकन स्टॉक क्यूब है, रियल चिकन इसमें इस्तेमाल होता है, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। आई डोंट नीड टू ऐड एनी वेजिटेबल्स, नथिंग, नो नमक मिर्च कुछ भी, बस ये, दैट्स इट। क्रम्बल करके डाल दीजिए, इसको एक उबाल आने दीजिए। और अब हम क्या करेंगे जनाब, देखें, अब मुझे ना ये जो मिक्सचर है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसमें हमने ब्रेड क्रम्ब डालना है, वॉलनट कबाब का जो मिक्सचर है वो। चलिए मैं आपको रिकैप करूं, मैंने दही लिया था, दही का मट्ठा, उसमें पाइनएप्पल डाला था, नमक, शहद और पेपरिका, वो मिक्स करके डिप बना के मैंने वहाँ रख दिया है। फिर मैंने छोटे वाले प्याज लिए थे, छिलका उतार दिया था, उनको साबुत रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका, नमक, और मैंने उसमें लाल रंग के लिए बीट रूट यानी चुकंदर का एक टुकड़ा कद्दूकश करके डाल दिया था, बस, ठीक है। ये हो गया, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। कबाब्स के लिए आलूओं को छिलका उतार के बॉयल कर दिया था, और पानी वानी छान दीजिएगा, उसमें आप पनीर डालें या दही का मट्ठा डालें, कॉटेज चीज़ मैंने यूज़ किया था। मटर थे बॉयल किए हुए, ठीक है, अखरोट, ब्रेड क्रम्स, बेसन, चीज़, मोज़रेला या चेडर आपको जो भी डालना है, अदरक का टुकड़ा था, हरी मिर्चें थी, धनिया, काली मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, आमचूर या मैंगो पाउडर, इलायची का पाउडर और लेमन जूस और नमक, ये सब कुछ मिक्स करके आप ये कबाब बना के, इसका बैटर बना के इसको कोयले का दम दीजिए, प्लीज़, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार सा होता है, आपको अभी बना के दिखाती हूँ। चिकन बॉईल हो रही है, इटालिया का चिकन क्यूब हमने इस्तेमाल किया है, उसके अलावा इटालिया की स्पगेटी जो बॉईल करके रखी थी, देखें, लुक एट द लवली कलर, और ये हो भी गई है बॉईल, उसको मैंने यहाँ पानी छान के रख दिया है। सब्जियाँ जो भी आपको इसमें डालनी हो, ठीक है जी, ये पानी को हम इस्तेमाल करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू मेक अ जगह यहाँ, और हम इसमें फॉइल का एक टुकड़ा रख दीजिए,
फिर आप उठाइए ये कोयले का टुकड़ा, उसको आप रख दीजिए इसमें। इटालिया और एक प्लेट भी साथ साथ मैं ले आती हूँ ताकि इसके ऊपर हम रख सकें। ओके, एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स टू स्मोक फिर आप इसको बंद कर दीजिए। अब जो मज़ेदार सा इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आएगा उसको बस हम हाथ में लेंगे, टिक्की बनाएंगे, हल्का सा फ्राइंग पैन में सेक लेंगे, रेडी। ठीक है, ज़रूर ट्राई करिएगा, ये मैं यहीं रखती हूँ। अच्छा जी, अब हमें क्या बनाना है, ये सूपी चिकन नूडल्स बनाने हैं। अब उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए चिकन नूडल्स सूपी सा बनाने के लिए स्टॉक की रेसिपी भी लिखी है कि पानी हो, लहसुन हो, काली मिर्चें हो, नमक अदरक हो, ये सब कुछ चिकन के बोन्स के साथ आप चिकन और बोन्स के साथ पका लीजिएगा, फिर चिकन को अलग कर दीजिएगा, बोन्स को अलग कर दीजिएगा, सूप को छान लीजिएगा। लेकिन आपको स्टॉक बनाने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आपके पास इटालिया का ये चिकन स्टॉक क्यूब है यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब हम चिकन जो है उसको, अगर आप बोन्स वाला चिकन यूज़ कर रहे हैं तो आपको श्रेड करना पड़ेगा, इसको हम वैसे ही यूज़ करेंगे। इसी में हम सब्जियाँ डालेंगे, ठीक है। So we've got a shimla mirch, gajar, ये है white pepper, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च दोनों चाहिए। सफ़ेद मिर्च, बहुत थोड़ा सा नमक बिकॉज इसमें हमने स्टॉक क्यूब डाला था, कुटी हुई काली मिर्चें और गार्लिक है चॉप किया हुआ, चिली सॉस है, एंड सम सोया सॉस। अगेन रिमेंबर, सोया सॉस भी प्लीज कम डालिएगा, रीजन इज के चिकन स्टॉक क्यूब है। ये देखें, सूपी से आपके नूडल्स बनेंगे, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, चिकन भी है इसमें, स्टॉक भी है इसमें, सब्जियां भी हैं, और इसमें क्या जाएगा, इटालिया के ये स्पगेटी जो हमने बॉइल करके रखी थी। ठीक है जी, नाउ थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाएगा, चिकन ऑलमोस्ट डन है और ये जो सूपी से हमारे नूडल्स हैं वो जज्ब कर लेंगे, नूडल्स जज्ब कर लेंगे सूप। ठीक है जी, या सिरका, थोड़ा सा इसमें सिरका भी जाएगा, दैट्स इट। ओके, क्या क्या चीज़ें गई मैं आपको बताती चलूँ। सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, नमक, चिकन बॉईल करके, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च और ये चिकन का क्यूब भी आपके सामने हम इटालिया का डाल चुके हैं, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च। ठीक है जी, ये हो गया सब कुछ, अब एक उबाल आ जाए एंड देन दिस इज़ आल्सो रेडी, इसको भी हम डिश में निकाल देंगे। ये बिल्कुल एंड में स्पगेटी डालिएगा इफ्तार से पहले, ठीक है, स्पगेटी पहले से डाल के नहीं रखिएगा, ये सब कुछ आप करके रख सकते हैं। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल माय स्पॉन्सर्स एंड ऑल द व्यूअर्स एंड फैंस एंड ऑल द पीपल जो मेरे साथ साथ कुकिंग करते हैं और मेरे साथ साथ रेसिपीज़ नोट करते हैं और बनाते हैं इफ्तार के बाद, मुझे फिर तस्वीर भी आ जाती हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको ज़रा देखते हैं, अभी भी इसको धुआं लग रहा है, फिर ये कोयला फेंक देंगे हम, हाथों से हम टिक्कियां बना देंगे और हल्का सा हम फ्राइंग पैन में तल देंगे, दैट्स इट। सो वन रेसिपी डन, सेकेंड रेसिपी डन, थर्ड रेसिपी कमिंग अप वो है सिंपल सा चॉकलेट मूस। क्रीम है एक कप, दो टेबल स्पून चीनी है, दो अंडे थे सेपरेट करके मैंने रख दिए थे, ठीक है, और चॉकलेट है। चॉकलेट के साथ साथ हम नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड भी डालेंगे जो होजन का है, वो सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और सवाल क्या रखा था मैंने आज, किसी को याद है क्या पूछा था मैंने? हाँ जी, चिकन, यस यस, चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आई टेक अ ब्रेक। चिकन नूडल्स स्टॉक के अज्जा, चिकन हड्डियों के साथ आधा किलो पानी हसबे ज़रूरत, लहसुन 3 चवे, काले मिर्च 5 से 6 अदद,
नमक हसब जायका, अदरक एक अदद छोटा टुकड़ा। नूडल्स के लिए, नूडल्स एक पैकेट, पानी हसब ज़रूरत, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, चिली सॉस दो चाय के चमचे, सिरका आधा चाय का चमचा, नमक हसब जायका, रेशा की हुई चिकन आधा कप, चॉप लहसुन एक चाय का चमचा, जुलियन गाजर एक अदद, जुलियन शिमला मिर्च एक अदद, चिकन स्टॉक एक कप। तरकीब, पैन में पानी, चिकन, काली मिर्च, अदरक और लहसुन डालकर 15 से 20 मिनट पका लें। फिर स्टॉक को अलग करके चिकन रेशा करें। इसके बाद दूसरे पैन में पानी उबालकर नूडल्स पकाएं और छान लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। फिर इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और चिकन शामिल कर दें। उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च और स्टॉक डालकर पके नूडल्स शामिल करें और 5 से 6 मिनट पकाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। नाउ दो एग वाइट्स सेपरेट की हुई जो थी वो हम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ आप सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पानी में गर्म करके ना इसको मैंने ये जो करछी का हम ड्रिंक बनाएंगे जिसमें ये कलरफुल सेवैयाँ जाएंगी उसको बस मैंने बॉईल कर दिया है, बस दैट्स इट, इट्स डन, ठीक है। ओके, पहले हम हमेशा क्यों सफ़ेदियों को बीट करते हैं, द रीज़न इज़ कि फिर जर्दियाँ और दूसरी चीज़ें डालने से ना पीटर गंदा हो जाता है, तो अच्छी तरह आप फेंक नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे अब जर्दियाँ इटालिया के पीचेस से हम डेकोरेट करेंगे आज नोकोलाटो का चॉकलेट मूस। जर्दियाँ और चीनी, और इसमें हम पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे बिफोर इट स्टार्ट्स टू सेट अगेन। स्पैचुला से इस तरह बाहर कर दीजिए पूरा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करिए। चॉकलेट के साथ काम करते हैं तो हमेशा हाथों फहमीदा हैं दादू से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनक जी, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपके कैसे हाल हैं? मैं ठीक हूँ। और आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां रोजा है, बहुत अच्छे जा रहे हैं। वेरी गुड। क्या बनाएंगी आज इफ्तारी में? आज इफ्तारी में मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी जी। चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, चिकन सालन, चिकन पुलाव। ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड, दूसरे जो फेमस चॉकलेट स्प्रेड्स हैं उनमें सिर्फ 7% हेज़लनट होता है, इसमें तो 13% है और तेल अलग भी नहीं होता है, ठीक है। क्रीम जाएगा अब, सो सी यहां लिखा भी है हेजलनट स्प्रेड विथ कोको नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड, जरूर आप भी घर लाइएगा और फायदा उठाइए इसका। इसको क्या हुआ? सेम ओल्ड मशीन इश्यूज। सोच रही थी आज मशीन चल रहा है, मेरी नजर लग गई। हाथ धोते रहिए, कोविड से बचिए, मास्क पहनिए बाहर जाएं तो, ग्लव्स पहनिए प्लीज,
अपने आप का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। कोई ख़ास काम नहीं हो तो प्लीज़ बाहर नहीं जाइए जी। अब ब्रेक पे चलें क्या? हेलो, अच्छा अच्छा जी, इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसके बाद हम बनाएंगे करछी से मज़ेदार सा ये ड्रिंक। तो ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, मशीन को भी ज़रा घुमाते फिराते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं। और जब हम आएंगे तो आई होप कि डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है उसको आप जीतना चाहें अपने किचन के लिए, तो बहुत सारे मैसेजेस आप करेंगे 888-1 पर। मुझे बताएंगे चिकन से बनने वाले रेसिपीज के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। अब हम सफ़ेदियों को अंदर फोल्ड इन कर देंगे थोड़ी थोड़ी। पहले चॉकलेट इज वेरी गुड क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड एज वेल, तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और बनाइएगा। वेरी सिंपल मूस, चॉकलेट, नोकोलाटो, अंडे की सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ सेपरेट की थी, चीनी, दैट्स इट। इसमें आप कोई फ्रूट डालना चाहें डालिएगा। मैं क्या करूँगी, मैं पीच के साथ इसको आज डेकोरेट कर दूंगी। पीच के स्लाइसेस हैं कैन में इटालिया के। डोंट वेस्ट एनीथिंग, ठीक है? नाइस एंड लाइट। अब ये मूस कितना लाइट होगा और कितना मजेदार होगा, इसको निकाल देते हैं बोल में। और कबाब्स भी हमारे फॉर्म हो गए हैं, उनको भी निकालते हैं, फ्राई करते हैं हल्के से। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? हाँ जी, हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? आ गए? अच्छा, हेलो हेलो हेलो, कराची से। कौन बोल रही हैं? जैनक आपा, आप ही? आप कौन बोल रही हैं? नूर बोल रही हूँ, नूर बतूल कराची से। जी अच्छा, फरमाइए, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी फैमिली को। ओके थैंक यू, आपको भी। और मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, चिकन मैक्रोनी, चिकन टिक्का, चिकन रोल, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, चिकन सब्जी, समोसा, चिकन पकौड़े। मेरा नाम जरूर शामिल कीजिए क्योंकि मैंने पहली बार कॉल की है। ओके ठीक है, जरूर जरूर करेंगे शामिल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़ जी। ये आपका नोकोलाटो चॉकलेट मूस रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इटालिया। चलो पहले ये बना लेते हैं, बर्फ। ठीक है, बर्फ़ ले ली आपने बहुत सारी, दिस इज़ फॉर योर इफ्तार टुडे। फिर आपने उसमें दूध शामिल कर दिया और करछी जामे शीरीन, ये रेड वाला शरबत भी इनका है, ग्रीन वाला इलायची इनके नाम से भी है। यू डोंट नीड एनी शुगर विद दिस नाउ, ठीक है? एंड ब्लेंड। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्लासेस लेंगे और उसमें ये पो करेंगे और उसके साथ साथ हम उसमें ये सेवैयाँ भी डालेंगे जो बॉईल करके रखी हुई हैं और ये तुकमलंगा का बीज भी, ठीक है? उसको पानी में भिगो के रख दिया है, दैट्स इट। दोनों चीज़ें जाएंगी।
बीज हैं, वेरी गुड फॉर हेल्थ। हम फालूदे में भी डालते हैं ना, वैसे भी दूध में आप जामेशीरी डाल के ये डाल के खाएं। और ये जो हमने सेवैयाँ बॉईल की थी वो भी आप थोड़ी सी डाल दीजिए, कलरफुल सेवैयाँ जो मिलती हैं। बस अब एक और चीज़ रह गई है हमारे शो पे आज, जो कि मुझे ये वॉलनट कबाब्स को हल्का सा इटालिया कुकिंग ऑयल में सेकना है, दैट्स इट। ठीक है, ब्रेक तो नहीं लेनी हमने, नहीं लेनी अभी नहीं, ओके चलो जी। ये भी हो गया यक ठंडा, ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इटालिया कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा लीजिए, इटालिया के प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, जैतून है काले और हरे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिव ऑयल उनके हैं, एंड ऑफ कोर्स द कैंड फ्रूट है, पीचेस हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, चेरीज़ हैं, कंडेंस मिल्क है, कोकोनट ऑयल है, मशरूम्स हैं, चिकन स्टॉक क्यूब है, शहद है, पास्ता है, वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। स्मोकी से फ्लेवर के हमारे कबाब्स जो हैं उनको आपको बस हल्का सा सेकना है, कुछ भी आपने इसको लगाना नहीं है, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, क्रम जो था वो अंदर हमने रखा था, दैट्स इट। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको इसी तरह धुआं दीजिएगा। आज बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, सो वी मेड चिकन नूडल वेरी सूपी, ठीक है, स्पगेटी के साथ इटालिया की, और हमने करछी के साथ ये ड्रिंक बनाया है विथ तुकमलंगा एंड सेवैयाँ कलरफुल वाली, और नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड के साथ हमने ये मूस बनाया था। उसके अलावा एक डिप है जो हमने दही के मट्ठे और पाइनएप्पल के साथ बनाया था, और पिकलिंग अनियंस छोटे वाले जो प्याज होते हैं उसको आप पिक्स करके रख दीजिए थोड़े से सिरके में, और नमक और चुकंदर का एक टुकड़ा कद्दूकश किया हुआ, उससे बहुत अच्छा रंग आएगा। सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर, तो आप जल्दी से मुझे 8881 पे बताएंगे 3-4 चिकन के रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, यानी ID कार्ड नंबर, और प्लीज़ 8881 पे SMS करिएगा, इधर उधर कहीं लिखिएगा नहीं, फिर वो कैसे हम आपको शामिल कैसे करेंगे फिर कुरानदाजी में, ठीक है ना। तो इट हैज़ टू बी ओनली 8881 पे SMS। इनको हमें फ्राई कर देना है, ये हो जाएगा, इस प्लेट में हम निकालते जाएंगे एंड देन सर्व इट। इनके पास भी देखें, आप देखेंगे हैलपिनोज हैं, ऑलिव्स हैं, नोकोलाटो हॉइजन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोकोनट मिल्क पाउडर भी है, एंड लुक एट दिस ह्यूज टब। दिल करता है कभी अंदर बस खोल के ऐसे चमचा डालूं और खाना शुरू कर दूं। ये बस हो जाए, इनको अभी मैं हिलाऊंगी जुलाऊंगी नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। ठीक है, आप इसमें पनीर डालें, आप इसमें दही का मट्ठा डालें, वट एवर, बट इट हैज़ टू बी नाइस एंड सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बनते हैं। चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वॉलनट कबाब, कबाब के अज्जा, उबले कद्दूकश आलू 1 कप, कद्दूकश पनीर आधा कप, उबले पिसे मटर आधा कप, क्रश अखरोट 1/4 कप, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1/4 कप, कुटी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्ची 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हसपे जायका, कोयला 1 टुकड़ा, घी 1/4 कप डिप के लिए, पानी निकली दही आधा कप, चॉप्ड पाइनएप्पल 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, अचारी प्याज के लिए, प्याज छोटी 1 कप, कद्दूकश चुकंदर 1 चाय का चमचा, सिरका 1 चाय का चमचा, नमक हसपे जायका। तरकीब, 2 खाने के चमचे घी गर्म करके अदरक और हरी मिर्ची 1 मिनट के लिए सौते करें, फिर इसमें मटर डालकर पका लें, उसके बाद आलू अखरोट पनीर नमक काली मिर्च पिसा गर्म मसाला चाट मसाला आमचूर पाउडर लेमन आमचूर पाउडर नींबू का रस बेसन और हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें और बोल में निकालें, जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो कद्दूकश चीज़ डाल दें। अब कोयले को चूल्हे पर गर्म करके बोल के दरमियान में रखें, फिर इलायची पाउडर और 1 चाय का चम्मच घी बोल में शामिल करें,
उसके बाद इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बोल में से कोयला निकालें और आमिजा अच्छी तरह मिलाएं। अब हाथों को ग्रीस करके पैटीज तैयार कर लें। उसके बाद पैन में बाकी घी गर्म करके 5 से 7 मिनट शैलो फ्राई करें। अचारी प्याज के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके फ्रिज में 2 घंटे रखें। डिप के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर कबाब और अचारी प्याज के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। मैं बस यहाँ थोड़ा से इटालिया कुकिंग ऑयल में इसको सेक लीजिएगा प्लीज़, और कोई अंडा वगैरह नहीं लगाइएगा। द एनी वेज वेरी सॉफ्ट, और यहाँ मैंने रख दिया है। एवरीथिंग इज़ रेडी, आप टेबल दिखाइए तब तक प्लीज़, और फिर मैं बताती हूँ कौन क्या जीता है आज। ठीक है जी, ओके। लज्जत में समीना जी, हाफ एन आवर के बाद 4:30 बजे लाइव कॉफ़ी बनाना आइसक्रीम पालक पकौड़ा चाट और तंदूरी मसाला चिकन चाट बना रही हैं, और विनर है एनएक्स के ईमान शाहिद फ्रॉम पिंडी। तो आपको मुबारक हो, और ये मैगज़ीन भी हमारा है इसी महीने का, रमज़ान का शुमारा, आप ज़रूर खरीदिएगा और फ़ायदा उठाइए इन सारी रेसिपीज़ का, और हमारी भी शोज़ देखते रहिए। कल मैं आपके साथ लाइव हूँ 3 से 4, मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा, रमज़ान में 3 से 4 आपके साथ लाइव हूँ। आई होप आपने ये सारी रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप बनाएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा। रात में 1 बजे और सुबह में 8 बजे मेरा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।